भारत से पाकिस्तान गई अंजू को बिजनेसमैन द्वारा महंगे तोहफे मिलने के बाद अब भारत के कारोबारी ने भी सीमा हैदर और सचिन को तोहफे देने का ऐलान कर दिया है। सीमा हैदर और सचिन को गुजरात के एक कारोबारी ने 50,000 रुपए की प्रतिमाही नौकरी का ऑफर दे दिया है। 1 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के रबुपुर गांव में देर रात जब एक डाकिया अनजान चिट्ठी लेकर सीमा और सचिन के घर पहुंचा तो उसे लेकर वहां हड़कंप मच गया। सीमा उस चिट्ठी को खोलना चाहती थी लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और जब अधिकारियों के आदेश पर चिट्ठी खोली गई तो पता चला कि गुजरात के एक कारोबारी ने सीमा और सचिन को चिट्ठी लिखी है जिसमें दोनों को गुजरात में 50,000 रुपए तक की महीने की सैलरी का नौकरी ऑफर किया गया है। अगर इसे हम साल के हिसाब से देखें तो उन्हें 6-6 लाख रुपए तक की सालाना नौकरी मिली है। इस चिट्ठी में आगे लिखा गया था कि वो कभी भी गुजरात पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चिट्ठी में उन दोनों की हर संभव मदद की जाने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, सीमा हैदर को नाचना और गाना रील्स बनाना बेहद पसंद है। उनके शॉर्ट वीडियोस के लिए मशहूर सीमा को तो बॉलीवुड के फिल्मों के ऑफर्स तक आ चुके हैं। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सचिन और सीमा हैदर को अपनी फिल्मों में बतौर कलाकार काम करने का ऑफर भी दे दिया है। लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर बटर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है। प्रोड्यूसर सीमा के घर जाकर एडवांस में चेक देने को भी तैयार थे। हालांकि इस ऑफर पर सचिन और सीमा के घर वालों ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाल ही में भारत छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू के ऊपर पाकिस्तान ने भी तोहफों की बरसात की है। महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, महंगे लहंगे की रील्स वायरल है। निकाह के बाद उन्हें जमीन और पैसे भी दिए गए हैं, जिसके जवाब में माना जा रहा है कि गुजरात के कारोबारी ने सीमा को ऑफर दिया है।